अस्सलाम वालेकुम। आज डबल स्पेक्टर का हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इसमें डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और वन बाय वन हम सारे टूल्स की डिटेल हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब आप इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में आपको डिफरेंट डायमेंशंस के पेजेस आते हैं जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। ये ऊपर यहाँ पे आपके पास हर तरह की डायमेंशन आ जाएगी, जैसा कि मोबाइल, वेब, प्रिंट, वीडियो एंड फिल्म वगैरह सबकी। तो अभी हम रैंडमली कोई भी डायमेंशन ले लेंगे और अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो टूल्स के बारे में पढ़ना है तो हमें ये है कि कोई भी डायमेंशन हो नो इशू, अभी क्योंकि अभी हम कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बना रहे। तो जब आप ओपन करते हो इलस्ट्रेटर तो आपके पास ये इंटरफेस आता है, ठीक है। इस इंटरफेस में डिफरेंट आपको यहाँ पे मेन्यू नज़र आ रहा होगा, यहाँ साइड पे वर्क स्पेस है, यहाँ पे ये टूल्स आए, ठीक है। इन्हीं टूल्स को हमने यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करनी है। इन टूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हम इन टूल से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम फर्स्ट टूल को डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट टूल है सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्शन टूल बोलते हैं। आपको सिलेक्शन के वर्ड से ही आइडिया होगा सिलेक्ट करना किसी को, ठीक है। इस टूल को हम ऐसे अकेला यूज़ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इसके लिए हमें किसी शेप, कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो हम ये ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। अब देखें, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को बनाना है तो जब हम सिंपल क्लिक करेंगे तो ये हमसे डायमेंशन पूछेगा कि आप स्क्वायर कितने डायमेंशन का बनाना चाह रहे हो, ठीक है। हम अपनी जो भी हमारा होगा अपना आइडिया उसके मुताबिक, ये कोई चीज़ बनाने तो उसके मुताबिक अभी हम यहाँ पे वो लगा सकते हैं। कोई भी मतलब हम बनाना चाह रहे हैं, अगर 100 बाय 100 का भी है तो इसको हम ओके करेंगे तो हमारे पास ये डायमेंशन आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे डायमेंशन नहीं देना चाह रहे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और माउस का बटन रिलीज नहीं करेंगे, इसे ड्रैग करके इसको यहाँ पे ले आएंगे। एंड वन मोर थिंग है कि देखें, मैं इसको बड़ा छोटा कुछ भी कर रही हूँ तो ये एक ही पर्सपेक्टिव में बड़ा छोटा नहीं हो रहा, कभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जिस तरह हम इसको बना रहे हैं पर्सपेक्टिवली ये बड़ा छोटा हो। तो इसके साथ हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, ठीक है, माउस का बटन रिलीज नहीं करना, साथ में शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखेंगे तो ये आपके सामने पर्सपेक्टिवली ये बड़ा और छोटा होता जाएगा, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, मैं इसको इतना बना लेती हूँ। तो इतना बनाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बाउंडिंग बॉक्स आ गया है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बॉक्स है जिसमें ये आपको एक एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इन एंकर पॉइंट्स को आप यहाँ से क्लिक करके छोटा बड़ा, मतलब कि जैसा भी आप कंट्रोल करना चाहें इसको, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या एक ये चीज़ सिलेक्शन टूल में है। फिर दूसरी चीज़ कि अगर आप इस एरो को देखिए, जब आप इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ देखें तो ये टिंट हो जाता है, कर्व हो जाता है। कर्व मीन इसका ये होगा कि आप इसको मूव कर सकते हो, कहीं भी मूव करना हो, किसी भी एंगल में मूव करना, आप इसको मूव कर सकते हो, ओके। तो अगर मैं इसको अगेन थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉक्स बनाया और मुझे इसी तरह का एक बॉक्स, ये सिलेक्शन टूल पे आऊंगी, मुझे इसी तरह का एक और इसी साइज में एक बॉक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अगेन बनाऊंगी इसी डायमेंशन का? नो, हमारे पास एक इजी वे है कि मैं इस पे क्लिक करके माउस का बटन रिलीज नहीं करूँगी, साथ में ऑल्ट का बटन प्रेस करके मैं इसकी कॉपी ले लूँगी। अब याद रहे कि साथ में क्लिक करके ऑल्ट के बटन को मैं प्रेस करूँगी तो इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। अब आप एक और चीज़ देख रहे होंगे, मैं अगर कॉपी ले रही हूँ तो ये एक सेम स्ट्रेट में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, कभी ऊपर हो रही कभी नीचे। तो मैं चाह रही हूँ कि स्ट्रेट लाइन में इसकी कॉपी लूँ तो ऑल्ट का बटन प्रेस ही रखेंगे, साथ में आप प्रेस कर देंगे शिफ्ट का बटन। देखें, शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस कर दिया तो एक ही लाइन में ये आपकी कॉपी कर देगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर आप इसकी वर्टिकल कॉपी लेना चाह रहे हो तो आप देखें कि देखिए, मैंने अभी शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं किया तो ये
देखिए इधर उधर मूव कर रहा है। अब इसकी अर्थ का बटन मैंने ले लिया, सॉरी ये इसको मैं यहाँ पे देखे आती हूँ ऊपर। देन मैं अर्थ के बटन के साथ इसकी कॉपी ले रही हूँ। अगर मैं वर्टिकल भी इसकी कॉपी लेना चाह रही हूँ तो मैं अर्थ के बटन के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस रखूँगी तो इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी और देखें कि लाइन में मूव करी। जैसे मैं शिफ्ट के बटन को छोड़ूंगी इसकी इधर उधर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी हॉरिजॉन्टल कॉपी ले रही हूँ तो मैं शिफ्ट और आर्ट के बटन को दबा दूँ ताकि एक लाइन में रहे, इसकी मैंने एक कॉपी ले ली। और देखिएगा कि अगर आप इसकी कॉपी ले रहे हो तो कोशिश करें कि आप माउस के बटन को पहले रिलीज करें, ठीक है, माउस के बटन को पहले छोड़ें। अगर आप बटन्स को पहले छोड़ देंगे तो इसकी कॉपी नहीं आएगी। अगर आप माउस के बटन को पहले रिलीज करें देन बटन को छोड़ें तो फिर कॉपी जनरेट हो जाएगी। ठीक हो गया, इसकी दूसरी कॉपी एक कॉपी बन गई। तो मैं चाह रही हूँ कि इसी में मल्टीपल कॉपीज हूँ, ठीक है। तो अब क्या मैं अगेन ऑल्ट के साथ इसकी कॉपीज लेती रहूँ? नहीं, इससे भी स्मार्ट वर्क में हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी कॉपी यहाँ पे ली, अब इसी एक्शन को रिपीट करते जाएंगे। कैसे? उसको रिपीट करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी, इसको मैं सिलेक्ट करूँगी। अब कंट्रोल डी करती जाऊंगी वही रिपीट होता जाएगा एक्शन जो हमने पहले किया था। फॉर एग्जांपल मैं इन सबको रिमूव करती हूँ, मैं इसकी वर्टिकल एक कॉपी लेती हूँ आर्ट और शिफ्ट के बटन के साथ, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि यही एक्शन बार बार रिपीट हो तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल डी प्रेस करती रहूँ तो इसकी यही कॉपीज बनती जाएंगी। अब मैं चाह रही हूँ कि ये सब जो है ना अगेन कॉपीज हूँ इसकी, तो क्या करेंगे, मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगी। इस तरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल आर कंट्रोल ए, वो आप बटन पुश करोगे तो इसकी सब को ये सिलेक्ट हो जाएगी। आप इसको क्या करोगे, दोबारा ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी लो के देखें अभी ये ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि मैंने जस्ट ऑल्ट का बटन और माउस का बटन दबाया हुआ है। जैसे ही मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगी एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो मैंने एक और कॉपी ली, अब इसको मैंने एक वही एक्शन रिपीट करने के लिए कंट्रोल बी प्रेस कर दिया। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास मल्टीपल कॉपीज आ गई और हमने सेकंड्स में जो है ये बना लिया। अगर वन बाय वन हम इनकी कॉपीज ले रहे होते तो बहुत टाइम भी लगना था और इरिटेट भी हो जाता। तो हमने क्या किया, जस्ट एक कॉपी लेके कंट्रोल डी को हमने प्रेस किया, अगेन वो एक्शन रिपीट करता गया। ये आपको समझ में आ गया सिलेक्शन टूल से आप क्या क्या कर सकते हैं। अब मज़ीद आपको मैं बता देती हूँ, सबको मैं रिमूव करती हूँ। अब कोई और शेप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन। मैंने पॉलीगॉन शेप ली, ठीक हो गया। इसकी मैंने एक इसको थोड़ा रोटेट कर लेती हूँ मैं, ओके। अब रोटेट कर लिया, अब मैं इसकी मज़ीद कॉपी ले रही हूँ एक और इसको मैं सिर्फ ऑल्ट का बटन प्रेस करके कॉपी ले रही हूँ तो देखें ये इधर उधर हो रहा है। जैसे मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगी ये लाइन में आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इसकी और शिफ्ट के बटन के साथ मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ और इस सेक्शन को रिपीट कर देती हूँ कंट्रोल डी से। ओके, अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेती हूँ। आपने शिफ्ट के बटन के साथ इसको छोटा करना है ताकि इसकी शेप में चेंजेस ना हो। अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करती तो आप देख सकते हैं कि इसकी शेप मुझसे चेंज भी हो सकती है क्योंकि हाथ हिल सकता है, कोई भी शेप थोड़ा बहुत चेंजेस में आ सकता है। लेकिन अगर शिफ्ट का बटन साथ में प्रेस कर देती हूँ तो आप देखें परस्पेक्टिवली ये बड़ा और छोटा हो रहा है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं अगेन इस ऑल की कॉपी लेना चाह रही हूँ तो मैं ऑल का बटन प्रेस करूँगी, ठीक है। ऑल का बटन प्रेस किया, इसकी मैंने एक कॉपी ली। अब देखिए अगर मैं शिफ्ट के बटन के साथ इसकी कॉपी लूँगी तो ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे आएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रही तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह लाना चाह रही हूँ, ठीक हो गया। अब मैं
देखिए मैं इस ऑल को सिलेक्ट कर लूँगी। इस ऑल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पूरे की कॉपी ले लूँगी, ठीक है। पूरे की कॉपी लेने के बाद इसको भी इस तरह एडजस्ट करेंगे। और याद रखिएगा यहाँ पे मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं किया, अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करती हूँ तो ये इस तरह से कॉपी आएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रखना चाह रही हूँ, ठीक हो गया। अब मैं इसकी कॉपीज रिपीट करती हूँ कंट्रोल डी के साथ, तो आपके सामने ये इस तरह इसकी आ गई कॉपीज। अब मैंने सबको सेलेक्ट किया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ, इस पॉइंट के साथ मैं छोटा करूँगी और साथ में शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगी कि ये पर्सपेक्टिवली छोटा और बड़ा हो सके। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पॉलीगॉन आ गए। तो अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें इन डिफरेंट को सिलेक्ट करके उनका कलर चेंज करूँ। देखें अगर मैं यहाँ एक सिलेक्ट करती हूँ, साथ में ये सिलेक्ट करती हूँ, तो पहली सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि मल्टीपल सेलेक्ट करूँ, तो मल्टीपल ऐसे सेलेक्ट नहीं होंगे, जैसे सेलेक्ट करूँगी दूसरी सेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो मैं एक सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट करने के लिए मैं साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगी और रैंडमली सेलेक्ट करती जाऊँगी। आप शिफ्ट का बटन प्रेस किया होगा तो आप देखेंगे पिछली सिलेक्शन ख़त्म नहीं होगी, वो साथ में चलती जाएगी, ठीक है। अब मैं इसमें से रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ ताकि मैं उनका कलर चेंज करूँ। ओह अगेन, ठीक है, मैं इसमें से रैंडमली सेलेक्ट कर लिए हैं। ओके डन। अब मैं चाह रही हूँ कि इनका कलर चेंज कर दूँ। तो यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, इसमें ये होता है फिल और ये होता है स्ट्रोक, ठीक है। मैं इसमें कलर ऐड करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन फिलहाल जो मैं यहाँ पे भी आपको कलर्स नज़र आ रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ से भी कलर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप इस फील्ड पे डबल क्लिक करो, यहाँ से कोई कलर चूज़ करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं येलो ही करती हूँ, दिस येलो, और सेलेक्ट कर दिया। देखिए जो भी हमने सेलेक्ट किए थे उनके कलर्स चेंज हो गए हैं। अब अगर मैं स्ट्रोक का कलर भी चेंज करना चाह रही हूँ, तो इसमें से मैं ये कलर कर देती हूँ और ये स्ट्रोक का कलर चेंज हो गया। अब देखें आपके सामने बहुत मज़े की चीज़ बन गई है, इसमें स्ट्रोक का कलर भी चेंज हो गया, इसमें रैंडमली सिलेक्ट हो गया। तो ये होता है सिलेक्शन टूल, जिससे आप डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकते हैं और मज़े की चीज़ें बना सकते हैं। तो ये आज की हमारी सिलेक्शन टूल की क्लास थी। आई होप आपको समझ में आई होगी और आप अंडरस्टैंड किए होंगे। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मैसेज में मुझसे रब्ता कर सकते हैं।